हेलो गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड ट्रेड पार्क का फूड कोर्ट एरिया। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। चलो गाइस, देखते हैं अपन वर्ल्ड ट्रेड पार्क का फूड कोर्ट एरिया। गए हैं WTP के B1 में। B1 बोले तो बेसमेंट में, बेसमेंट फर्स्ट बोला जाता है। देखिए इसकी पार्किंग देख लीजिए आप, ये पार्किंग है इसकी, ये बाइक पार्किंग है इधर की साइड में, और उस साइड में आप देखेंगे तो कार पार्किंग है। इसके नीचे दो B2 और B3 और है, बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3। ठीक है जी, तो हम चलते हैं लिफ्ट के पास, और लिफ्ट के पास हम जाते हैं तो हम वहाँ से चलेंगे WTP के फूड कोर्ट। चलो भाई, आपको लेके चलते हैं, किसी से भी आप ऊपर जा सकते हो। उधर एलिवेटर भी है, ये देखो लिफ्ट खुल चुकी है। अब हम लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, हम एग्जिट प्रेस कर दिया, पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप। अपन MZ पे आ चुके हैं गाइस, MZ बोले तो फूड कोर्ट, WTP का फूड कोर्ट। सामने आप देख सकते हो ये स्मार्ट है, स्मार्ट गेमिंग जोन। ये इधर कपड़े का आइकॉनिक आइकॉनिक क्रिस के कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। ये स्मार्ट गेमिंग जोन देख लीजिए आप, देख सकते हैं। ये CC डे, मतलब कैफी कॉफे डे के नाम से यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप भी, रेस्टोरेंट है, देख सकते हो आप। नीचे का भी एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलिवेटर है, यहाँ अभी बंद है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए सारा बंद पड़ा है। यहाँ क्राउड 12 बजे आने स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सामने देखिए ट्रस्टिंग स्कोप्स, जो सॉफ्टी वगैरह जो अपन बोलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। ये है लाइव आइसक्रीम, लाइव आइसक्रीम यहाँ कई तरीके के आपको रोल, मैंगो रोल, ब्लू रोल आपको इंडर मेन्यू भी देख सकते हैं। ये बेल्जियम वेफर्स है, आप देख सकते हैं बेल्जियम वेफर्स अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन होने वाला है ये, मतलब वैसे ओपन हो चुका है लेकिन इसका टाइमिंग अभी नहीं हुआ है। ये बेनी मेरी है, आप ब्लेंडर, ये भी कॉफ़ी और मिल्क का इन्होंने अपना बोर्ड भी लगा रखा है। कैवेंडर से मिल्क और शेक के लिए मशहूर है। ये ब्राउन शुगर, जहाँ पे आपको केक भी मिल पाएंगे, अलग अलग तरह के केक पेस्ट्री वगैरह। ये चटकारा कुछ का, मतलब चाट वगैरह के सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। हमने बास्किन रोबे में ये थोड़ा आइसक्रीम का है, और कल हम तो हाउ मोर देख सकते हो आप, फोटो का बनाए रखा है यहाँ पे, आप सेल्फी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, देख सकते हैं। यहाँ से मेन फूड कोर्ट का एरिया स्टार्ट हो जाता है, देखिए आप, आपके सामने है सारे।
दुबई मार्केट है इधर से, उस साइड एरिया में दुबई मार्केट जिसे हम नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। देख लीजिए मैकडोनल्ड्स के बाद में आप ये बिस्ट्रो 57, जहाँ पिज़्ज़ा पास्ता शेक वगैरह इन्होंने भी खुद का मेन्यू लगा रखा है, यहाँ आप देख सकते हो। और शेक वगैरह यहाँ भी नॉर्मली मिल जाता है। ये कैलाश पर्वत, ये भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, देखिए इन्होंने भी सीटिंग कर रखी है, आप देख सकते हो कैलाश पर्वत की। देखिए जी ये आ गया वेंगो, जिसको साउथ इंडियन डिश पसंद है क्योंकि ये साउथ इंडियन के लिए बहुत ही मशहूर है, इडली सांभर डोसा उनके लिए, इनकी भी अलग ही सेटिंग है। ये देखो इन्होंने खुद की थीम भी लगा रखी है और कॉम्बो कुछ कॉम्बो वगैरह भी लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। आप आओगे ना यहाँ तो आपको मतलब खुद को रियलाइज़ होगा हाँ भाई ऐसा क्या है। राइस कबाब एंड करी है, ये वेज नॉन वेज फूड के लिए मशहूर है, यहाँ पे आराम से आप डाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ज़्यादातर ये नॉन वेज के लिए स्पेशल है, इसके ये भी खुद का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है कबाब एंड करी। इसके खुद के 10 रेस्टोरेंट हो चुके हैं जयपुर में, और आउट ऑफ राजस्थान में कुछ रेस्टोरेंट है। देखिएगा फूड कोर्ट का नज़ारा, देख लीजिए एक बार वापस दिखा देता हूँ मैं, यहाँ सॉन्ग चलते रहते हैं प्रोजेक्ट में। देख लीजिए ये फूड कोर्ट के आउटलेट हैं सारे, इधर से भी दिखा देता हूँ, वो साउथ ब्लॉक है, ये इधर नॉर्थ ब्लॉक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अभी कोई क्राउड नहीं है क्योंकि ये सुबह का टाइम है गाइस, इसलिए थोड़ा क्राउड नहीं है। 12 बजे बाद में यहाँ क्राउड बढ़ता है और सैटरडे संडे तो ऑलमोस्ट फुल रहता है यहाँ पे क्राउड। हाँ जी गाइस, ये थी मेरी वर्ल्ड ट्रेड पार्क की फूड कोर्ट एरिया पे फर्स्ट वीडियो। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन हो गाइस वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें गाइस। जैसे कि मैंने चैनल बनाया है फूड और टूरिज्म पहले से रिलेटेड, मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो डालता रहूँगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ाता रहूँगा। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।